Good morning everyone, this is Devendra Sharma and welcome to Landmark School. Today's our concept is divide by Sutra Paravarti base method. In this question number 16, 1154 divide by 103. वैसे जनरली मैंने आपको बताया था डिवाइड के हमने निखिलम ध्वजान और नेक्स्ट है हमारे सूत्र पारावर्ती है। पारावर्ती है निखिलम बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले इसके अंदर भी हमको बेस डिसाइड करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर डिवीजर 103 है तो हम इसके लिए बेस डिसाइड करेंगे 100। उसके बाद में हम डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन इज ऑलवेज डिवीजर माइनस बेस, डिवीजर माइनस बेस। 103 माइनस 100 देन आंसर इज 03, बिकॉज बेस के अंदर दो जीरो है तो डेविएशन के अंदर भी दो डिजिट आना कंपलसरी है। उसके बाद में हमको इसके अंदर पारावर्तीय अप्लाई करना पड़ता है। पारावर्तीय मीन होता है ये जो भी डिजिट्स है ये अलग अलग हो जाएंगे। इट मीन 03 को हम लिखेंगे 0 and 3 और ये प्लस के है डेविएशन। अब जब पारावर्ती अप्लाई करने पर ये अगर पॉजिटिव में हो तो ये नेगेटिव में हो जाता है। तो 0 के आगे तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा नहीं, क्योंकि बिकॉज 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बट मैं 3 के आगे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा। तो इस तरीके से हमको डेविएशन के अंदर डिजिट मिलते हैं 0 and -3 और हम ये निखिलम के जैसा ही पारावर्ती के अंदर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट के अंदर डिवीजर लिखते हैं और उसके जस्ट बिलो 0 and -3 हमको जो ऑप्टेंड हुआ है। बेस के अंदर दो जीरो है तो डिविडेंड के दो डिजिट पीछे आते हैं और रिमेनिंग सेंटर पार्ट में लिख दिया जाता है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज ड्रॉप नीचे लिख देते हैं 1। ये जो भी मल्टी 1 है यानी फर्स्ट डिजिट जो हम ड्रॉप करते हैं उसको डेविएशन के डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 multiply 0 0, 1 multiply -3 -3। फर्स्ट टाइम में डेविएशन से मल्टीप्लाई करने पर जो हम डिजिट ड्रॉप करते हैं उसको एक बार में जो भी डेविएशन से मल्टीप्लाई होता है उसको लिख देना चाहिए। फिर सेकेंड प्रोसेस सेकेंड रो सॉल्व करेंगे 1 and 0 आंसर इज 1। फिर जो सेकेंड रो के अंदर हमको जो डिजिट ऑक्टेंट होता है उसको फिर डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 0 0 एंड 1 into -3 -3। हम सबसे एंड डिजिट तक पहुंचने के बाद में हमारा प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए। 5 minus 3 2 2 and 0 2 4 and -3 हमको रो वाइज सॉल्व कर लेना चाहिए 4 and -3 देन आंसर इज 1। इसको क्वेश्चन पार्ट बोला जाता है और इसको रिमाइंडर पार्ट बोला जाता है। बस ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो हमको रिमाइंडर ऑप्टेंड होता है वो डिवीजर से स्मॉलर होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको आगे भी डिवाइड करना पड़ता है। सो क्वेश्चन इज 11 एंड रिमाइंडर इज 21। दिस इज द आंसर। थैंक यू।